ये मुझसे मेरे गैलरी का और कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सेस क्यों मांग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, लोन वाला ऐप से शिजा बात कर रही हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी शिजाब, मैं जमशेद। अच्छा सुनिए, बाकी सब तो ठीक है। एप्लीकेशन में मैंने अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना आईडी कार्ड नंबर ये सब डाल दिया है, लेकिन वो मुझसे एक्सेस मांग रहा है मेरी गैलरी का और मेरे कॉन्टैक्ट्स का, ये क्यों? देखें जमशेद साहब, हमने तो आपसे इतनी मालूमात भी नहीं ली जितनी बैंक मांगता है। मिसाल के तौर पे हमने आपसे कोई चीज गिरवी रखने का नहीं बोला, ना ही ये जानने की कोशिश की कि आपकी इनकम कितनी है। अजी हाँ, इसीलिए तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, वरना कैसे करता? अब जहाँ तक फोटोज और कॉन्टैक्ट्स के एक्सेस का सवाल है, उसकी जरूरत ऐप को है, हमें नहीं। ये क्या बात है? देखें मैं आपको समझाती हूँ, किसी भी ऐप को मोबाइल में ठीक तरह से काम करने के लिए कुछ चीज़ों की एक्सेस की जरूरत होती है। अब जैसे आपने फेसबुक और व्हाट्सएप को भी इन चीज़ों का एक्सेस दिया हुआ है ना, अब वहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई तो यहाँ भी नहीं होगी। ये तो है। देखिए सर, आप मुझ पर एतमाद करते हुए प्रोसेस को आगे बढ़ाइए और अपनी जरूरत को पूरी कीजिए। हमारे पास कर्ज की कुछ लिमिट होती है, और अगर वो पूरी हो गई तो हमें आपका केस अगले महीने तक रोकना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो जरूरत इसी महीने है ना, अगले महीने मेरी नहीं, मुझे अभी चाहिए। बस तो ठीक है, अब आप प्रोसेस आगे बढ़ाइए ताकि हम आपको पैसे फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, शुक्रिया, मैं करता हूँ। तनख्वाह से घर चलाएंगे और जो कमीशन होगी ना, उसे नायला की शादी के लिए जमा करना शुरू कर देंगे। तब भी 2 साल में इतने पैसे थोड़ी जमा कर पाएंगे कि उसकी शादी कर सके। वैसे ना आपकी यही बात मुझे बहुत बुरी लगती, मैं जब भी कोई ख्वाब सजाने लगती हूँ ना, फौरन उस पर नाउमीदी का ना का बुलडोजर चला देते हैं। तो और क्या करो, ख्याली पुलाव से पेट भरता है भला। अब 2 साल आपकी यही तनख्वाह थोड़ी रहेगी, इतने मेहनती आप, देखिएगा कितनी जल्दी तरक्की होती है आपकी। ये क्या बकवास? क्या हुआ? मेरे अकाउंट में पैसे भेजे इन्होंने। क्या? ये तो खुशी की बात है, और आप परेशान हो रहे हैं। भाई 2 लाख रुपए अप्लाई किए थे इन्होंने, तो 25,000 भेजे। अच्छा, हो सकता है किस्तों में भेज रहे हो। पता करता हूँ जी, मैं जमशेद बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने खुद ही तो कहा था कि आप 3 लाख तक खर्च देते हैं। जी सर, मगर हम कस्टमर के हिसाब से फैसला करते हैं, क्योंकि आपने हमसे फर्स्ट टाइम लोन लिया है, इसलिए हमने अभी सिर्फ आपको 25,000 का लोन दिया है। अगर आपने ये कर्ज वक्त पर अदा कर दिया तो आपका 2 लाख का कर्ज आसानी से मंजूर हो जाएगा। देखें, आप समझ ही नहीं रही हैं, मैंने 2 लाख कर्जा इसलिए मांगा था क्योंकि मुझे जरूरत ही उसकी थी। 25,000 का मैं क्या करूं? मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बाइक लेनी है, अब 25,000 में कौन सी बाइक आती है? देखिए ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहा उन्होंने? कि हम कस्टमर के हिसाब से उसे कर्ज देते हैं, अब उनके हिसाब से मैं 25,000 का आदमी हूँ। ये क्या बात हुई भला? अच्छा।